Me, I am Gautam Prasad. Today we are going to start on topic of the history, the first lesson of the BA program, second year, first year. The book name is आठवीं शताब्दी तक भारत का इतिहास. तो जो भारत का जो इतिहास है आठवीं शताब्दी तक हमें उसके बारे में जानना है. तो ये जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो आज है हमने स्टार्ट किया है. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक. तो सबसे पहले हम बच्चों इसमें स्टार्ट करते हैं. जो हमारे इसमें क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या क्या चीजें जानेंगे. जो हमारा इतिहास लिखा गया वो किस तरीके से लिखा गया था. तो इतिहास लिखा गया भारतीयों का क्या उसमें दायित्व रहा और पाश्चात्य विद्वान इतिहासकारों का दायित्व रहा. तो हर किसी ने अपनी अपनी भूमिका जो निभाई उनके बारे में. तो हमें सबसे पहले इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां के बारे में ही जानना है. मतलब प्रवृत्तियां क्या होती है जो लोगों ने अपनी अपनी जो क्या क्या राय दी. तो इतिहास को लिखने में इतिहास क्यों लिखा जाना चाहिए था, ये सारी चीजें किस लिए था. तो ये चीजें और कुछ स्रोत जिससे कि हमें यह पता लगाया जा सके कि ये जो इतिहास है कितना पुराना है, कितना समय पुराना है. लेकिन हम समय का नहीं पता लगा पाते, लेकिन हम उन वस्तुओं के जरिए हम यह पता लगा पाते हैं कि वो जो साक्ष्य था, वो स्थान था, वो कौन सा स्थान था, इन सभी के बारे में हम पता लगा लेते हैं. तो स्रोत में हमारे हमेशा अभिलेख या साहित्य भी ग्रंथ है, यह सभी चीजें उसके अंतर्गत आती है. तो प्रवृत्तियों में जब हम जानते हैं, प्रवृत्तियां जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें जानना है कि भारत में जो लेखन की जो विधि है स्टार्ट कहां से हुई. सबसे पहला हम उसमें जानेंगे. तो हम उसमें सबसे पहले बताएंगे बच्चों जो भारत एक हमारा जो देश माना जाता है, भारत एक ऐसा देश है जो युगों से विकसित होता आ रहा है. और इसमें क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, संस्कृति चलती हुई आ रही है. दूसरी चीज इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि जब पीढ़ी जब इसमें चलती हुई आ रही है, परंपरा है. और इसमें क्या है, दूसरी चीज इसमें यह भी मानी जाती है जब 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर प्रवेश की, तो उसने जैसे ही जब वो प्रवेश की तो उसने क्या सोचा कि यहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको इतिहास को बताने के लिए, उनको अध्ययन करने के लिए, उनको कुछ शिक्षा दी जानी चाहिए. तो इतिहास लिखने की जरूरत पड़ेगी ताकि उनको समर्थ बनाया जाए ताकि वो तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, समर्थ बनाने के लिए, उनको कर्मठ बनाने के लिए उन्होंने इतिहास का लिखना शुरू कर दिया. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1784 में बच्चों 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जो कि कलकत्ता में था, और वहीं से इतिहास का लिखना स्टार्टिंग शुरू हो गई. अब शुरुआती दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जितने भी जो उसके कर्मचारी थे, विलियम्स जॉन्स ने क्या किया, वहां के जो एक कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जिसको माना जाता है, वो थे हमारे विलियम जॉन्स. और विलियम जॉन्स जो क्या थे, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई जो इतिहास को लिखने में. और इसी समय एक और जो आए, मैक्स मूलर जो अपरिवर्तनीय भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में उन्होंने लिखा, मतलब कि जो ग्रामीण जो समुदाय था उनके बारे में उन्होंने मैक्स मूलर ने बताया कि किस तरीके से जो उनका जीवन है ग्रामीण लोगों का, वो अपरिवर्तनशील माना जाता है. मतलब कि वहां पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसी जो कृषि व्यवस्था चल रही है, पुरानी व्यवस्था, पुरानी परंपरा के अनुसार वैसे ही चलती हुई आ रही है, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ. ये मैक्स मूलर ने बताया अपना. और जेम्स के बारे में जब मैंने बताया था, उन्होंने भी सबसे अहम भूमिका निभाई. तो ये था कुछ विदेशी के बारे में जो इन्होंने इतिहास के बारे में, हमारे भारतीय के बारे में बताया. अब उसके बाद जब विंसेंट स्मिथ जो ब्रिटिश प्रशासक रहे थे, बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया, भारत के बारे में पूरे संक्षिप्त में सर्वेक्षण किया. और उन्होंने उस पूरे क्षेत्र के बारे में पता लगाया लंबे दशक से. और उन्होंने यह भी बताया कि जो भारत है, जो एक लॉन्ग टाइम से, मतलब लंबे समय, यहां पे जो लंबे समय का मतलब यह कि बहुत समय से निरंकुश राजा का शासन रहा है. मतलब कि जो स्मिथ जो रहे हैं, ब्रिटिश जो प्रशासक जो थे, इतिहासकार बहुत बड़े, उन्होंने क्या
उन्होंने सर्वेक्षण किया और उन्होंने भारत के बारे में यह पता लगाया कि भारत में जो लंबे समय से क्या हुआ आता रहा है, इसमें कोई ना कोई राजा आता हुआ आ रहा है और वो क्या करता है, प्रजा का शोषण करता हुआ चला जा रहा है, निरंकुश मतलब कि जो अत्याचार करते हैं उन सभी के बारे में। तो इन्होंने अपना वो बताया कि किस तरीके से निरंकुश शासन चलता हुआ आ रहा है लंबे समय से। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने एक चीज और आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य जो हमारे अर्थशास्त्र के जनक जो माने जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो कौटिल्य की जो दंड संहिता को भी इन्होंने क्या बहुत बुरा माना है, उन्होंने क्या कहा है, अतिशय कठोर माना है। इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कठोर है, किस तरीके से एक निचली जाति को, जो ब्राह्मण जाति को जो होते हैं कौटिल्य, तो उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से उनको दबाया जाता है, उनके बारे में उन्होंने बड़ी अवहेलना की है। तो आगे इसी तरीके से अब ये देखा आपने, मैंने आपको दो तीन जो विद्वान थे पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब अच्छा होता है कि विदेशी इतिहासकार, तो उनके बारे में मैंने कुछ चर्चा की, जैसे मैक्स मुलर, आपको जेम्स स्मिथ, और इसमें आपके कुछ मैंने ऐसे जो बताए, तो उसमें जो इतिहास का लिखने का शुरुआत 1784 में किया गया, सोसाइटी एशियाई सोसाइटी खोला गया जो कलकत्ता बंगाल में। अब इसमें क्या हुआ, कुछ जो विद्वान थे वह भारतीय भी थे, जिन्होंने क्या किया, लेखन प्रवृत्ति में अपना योगदान निभाया। अभी तो हमने लेखन प्रवृत्ति में अपने किसको बताया, ब्रिटिश के बारे में बताया, तो उन्हीं के पास अधिकार था, क्योंकि हमारा जो शासन जो पूरी बागडोर थी वो किनके हाथों में थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसीलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने तरीके से किया, किन्होंने, किसी किसी अंग्रेज साहित्य इतिहासकारों ने तो यह पूरा बताया कि भारत की स्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा बता दिया, सच्चाई बताई, लेकिन किसी किसी ने क्या किया, उसको छुपाने की कोशिश की, उसको दबाने की कोशिश की। तो इसीलिए क्या हुआ, जब जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवाद और राजनीतिक से बढ़कर जब ऊपर सब निकले, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय विद्वानों ने क्या किया, यहां पर राष्ट्रवाद और राजनीतिक जागरण से भारतीय विद्वानों ने क्या किया, ब्रिटिश जितने विद्वान थे उनको चुनौती देना शुरू कर दी। उन्होंने पूरे अपने भारत के विषय में पूरा साफ साफ तौर पर लिखने लग गए किस तरीके से, और उन्होंने अपने विषय में क्या लिया, सामाजिक सुधार और स्वशासन को ध्यान की चुनौती थी। उन्होंने क्या किया, सामाजिक सुधार किस तरीके से होना चाहिए उसके विषय में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। तो आइए हमने उसमें कुछ है हमारे 1950 के दशक में, तो कई ऐसे जो रहे हैं जो समाज सुधारक, जिसमें क्या किया गया, जितने भी जो 1950 के दशक में जितने भी जो मार्क्सवादी थे, अब बेटा मार्क्सवादी होता क्या है, सबसे पहले मार्क्सवादी का जो ये होता है वो हुबहू बताने की कोशिश करते हैं। मार्क्सवादी ने क्या किया, उस समय में जितने भी जो मार्क्सवादी जो विद्वान थे, उन्होंने इतिहास की लेखनी उभरी, उन्होंने इतिहास को लिखना शुरू किया, और मार्क्सवादी विद्वानों ने क्या किया, हमारा ध्यान पारंपरिक राजनीतिक राजवंशी इतिहास से हटाकर, परंपरा से हटाकर, राजनीति से हटाकर, राज्य के वंशों से हटाकर, हमारा ध्यान कहां आकर्षित किया, हमारी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक इन सभी चीजों पर उन्होंने क्या किया, हमारा ध्यान आकर्षित किया, केंद्रित किया, कि हमें इस चीज को समझना चाहिए, समाज को समझना चाहिए, हमें धर्म को समझना चाहिए, हमें संस्कृति को समझना चाहिए, वेशभूषा भाषा इन सभी को समझना चाहिए, ना कि हमें राजवंश में अटका रहना चाहिए। तो इसी में मुझे मार्क्सवादियों ने क्या किया, इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अब इसके बाद इसमें एक जो राइटर होते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, डीडी कौशाम्बी। अब देखिए डीडी जो कौशाम्बी जो रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, उनकी एक जो पुस्तक थी, उन्होंने कई पुस्तकों में काम किया, जैसे एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो उन्होंने सबसे पहले ये पुस्तक थी उनकी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें एक और इनकी पुस्तक थी द कल्चर एंड द
सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया, इसमें इन्होंने क्या किया, डीडी गोस्वामी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और इन्होंने लिखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये डीडी गोस्वामी को आप ना भूलिएगा बच्चों, इसको जरूर लिखना है आप सभी को, क्योंकि हमारा जो वेटेज है वो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो आइए हम आगे चलते हैं इसी तरीके से। अब देखिए, हमने कुछ लेखन प्रवृत्तियों के बारे में जान लिया, किस तरीके से भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भारत के लेखन विधि में, इतिहास में किस किस तरीके से अपनी योगदान भूमिकाओं को अदा की। अब आते हैं हम स्रोतों का सर्वेक्षण, हमें किस तरीके से पता चलता है कि ये चीज यहाँ पर प्राप्त हुई। आपने बहुत चीजें सुना होगा, प्राचीन समय में हमारा जो प्राचीन विद्यालय माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान समय में अभी बिहार में है, तो इसी तरीके से कई ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, स्रोत प्राप्त हुए, जिससे कि हमें यह पता लगा सकता है कि वह पिछले समय में भी हमारे से भी पहले कोई ना कोई रहा होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो प्राचीन जो भारतीय इतिहास के जो स्रोत है वो कौन कौन से बच्चों, वो देखिए हम डिस्कस करते हैं, इसको लिखते हुए चलना आप समझते भी चलिए, बस आपको समझना है और इस वीडियो को देखकर आपका आसानी से ये क्वेश्चन आता है आपका, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों और स्रोतों का सर्वेक्षण करते हो उसकी भूमिका को बताइए। तो आपको सबसे पहले पाश्चात्य विद्वान मतलब कि जितने भी जो भारत से अलग, मतलब भारत से जो दूसरे देश के जो विद्वान है, इतिहासकार है, उनके बारे में उनका क्या ओपिनियन रहा तो वो बताना है। दूसरा, हमारे भारत में जो 1950 के बाद जो मार्क्सवादियों ने किस तरीके से हमारा ध्यान वो परंपरा से हटाकर, राजवंशों से हटाकर हमारा ध्यान सामाजिक, आर्थिक और इन चीजों पर, सांस्कृतिक पर हमारा केंद्रित किया। तो इस सभी चीजों उन्होंने एक चुनौती भी दी, किसको, जितने भी जो बाहर के जो विद्वान थे उनको। तो इस तरीके से अब तीन तो हमने लेखन प्रवृत्ति हमने जान लिया, अब आते हैं हम इसमें स्रोत। तो जो प्राचीन भारतीय स्रोत, बस देखो जो प्राचीन जो भारतीय स्रोत जो माने जाते हैं आपके, सबसे जो पहला जो इंपॉर्टेंट जो हमारा इसमें है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पढ़नी है। तो भारत में जो अतीत की जो जानकारी, अतीत मतलब जो हमें पहले की जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें कैसे होती है, वो हमें किसी ना किसी चीज से मिलेगी। तो वो जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें दो चीजें सामायिक की गई, एक तो हमारा क्या था, साहित्यिक, और एक क्या था आपका, दो चीजें थी, एक तो साहित्यिक मानी गई और दूसरा आपका क्या माना गया, पुरातात्विक। पुरातात्विक, ठीक है जी, दो चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे, जो प्राचीन, जिससे कि हमें किसके बारे में पता चलता है, हमारे जो जितने भी जो प्राचीन जो अतीत है जो हमारा बीत चुका है उसके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है। तो हम सर्वेक्षण के बारे में पता लगा रहे हैं, तो वो हमारा क्या, सबसे पहले हम साहित्य के बारे में आते हैं बच्चों। तो साहित्य में जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, इसको दो भागों में बांट दिया गया बच्चों, दो भागों में, कैसे, एक तो देशज और एक क्या होता है विदेशी यात्रा के अनुसार। तो इसको क्या बांट दिया गया, देश में कर दिया गया देशज, और इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, धार्मिक कह लो आप इसको, और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया धर्मोत्तर, मतलब धर्म से ऊपर हट के। तो ये चीज, ये तो देशज अपने भारत का, और एक क्या था विदेशी, देशज साहित्य, और दूसरा हमारा क्या है, विदेशी यात्रा के विद्वानों द्वारा लिखा गया साहित्य। तो इसको दो भागों में बांट दिया गया बच्चों। तो साहित्य जो हमारा, हम पहले साहित्य के बारे में ही जाएंगे, तो जो धार्मिक, हमारा जो धार्मिक है, तो धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, धर्मोत्तर ग्रंथ कौन कौन से, हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे, धार्मिक जो साहित्य है तो उसके बारे में। तो सबसे पहले आइए, धार्मिक साहित्य हमारे कौन कौन से थे, पहला पॉइंट आप देखिएगा, जो धार्मिक ग्रंथ हमारे हुए हैं हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि देशज में हमें दो चीज पढ़नी है, धार्मिक और धर्म से उत्तर, जो धर्म से हटकर जो है। तो जो धार्मिक में हमारा तीन चीजें मानी जाती है प्रमुख, जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो हमारी किस किस तरीके से, हम इस तरीके से आपको एसेंजर वाइज आपको लगा देता हूं और वो आपको समझना है, ब्राह्मण, और दूसरा हमारा क्या है इसमें कुछ जो ब्राह्मण में जो माने जाते हैं, इसमें कुल माना गया चार वेद,
चार वेद। अब देखिए वो चार जो वेद हैं वो कौन कौन से है हमारा, वो उसके बारे में, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ये कुछ चार वेद हैं। इसके अलावा अब इस चार वेदों के आप जैसे हमने देखिए धार्मिक ग्रंथ में बताया गया चार वेद, और इसके अलावा क्या था आपका इसी में ब्राह्मण में, ये तो आपका चार वेद हो गए। अब इसमें हमारा क्या होता है, एक हमारा दो उपनिषद, उपनिषद। अब उपनिषद में कौन कौन से थे आपके, देखिए आर्णायक और दूसरा हमारा क्या था उपनिषद। तो ये आपने ब्राह्मण में देखा, ब्राह्मण में जो हमारा जो ब्रह्म तीन इसको भागों में बांट दिया गया था। तो पहले हम ब्राह्मण के बारे में जान रहे हैं, चार वेद इसमें कौन थे, ऋग, साम, अथर्व, यजुर्वेद। तो ये बच्चों वो था ऋग, साम, वेद, अथर्व, इसमें क्या था हम किस तरीके से अनुष्ठान मतलब यज्ञ और जादू टोना टोटा संगीत इन सभी के बारे में, ये इन सभी में दिया गया है। ऋग्वेद हमारा प्राचीन जो माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है, इसमें कई प्रकार के श्लोक हैं, तो इसको गा के पढ़ाए, इसमें गायत्री मंत्र भी बच्चों इसी में ही है। तो ये वेद बताने आपको चार, तो ये हमारे भारतीय साहित्य के ही वेद है, और उपनिषद हमारे आर्णायक और एक उपनिषद, एक इसमें हमारे क्या होते हैं इसी का तीन पार्ट है ब्राह्मण का, एक इसमें दो, इसमें दो महाकाव्य माने जाते हैं बच्चों, महाकाव्य जैसे रामायण और एक हमारा क्या है महाभारत। तो रामायण और महाभारत की जब चर्चा की जाती है तो इसमें बताया जाता है कि महाभारत में कुल जो श्लोक की संख्या है ये पहले कितना से कितना ईस्वी तक था ये आपको बता दिया जाता है। जो आपका बच्चों ये जो था चार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से इसका समय माना जाता है 400 ईस्वी तक जो इसको लिखा गया। इसमें टोटल कितने श्लोक थे, पहले 8000 श्लोक थे, और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है बच्चों ये जो आपका टाइम पीरियड है पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी, ठीक है, इस तरीके से ये रामायण का काल माना जाता है। तो ये तो हमने ब्राह्मण के बारे में जान लिया, ब्राह्मण तो ये इसको तीन भागों में बांट दिया गया, धार्मिक ग्रंथ तीन भागों में थे। तो ब्राह्मण हो गया हमारा, हमने ब्राह्मण में ही तीन चीजें पढ़ ली, हमारे चार वेद थे, उपनिषद दो थे, और हमारा महाकाव्य दो माना जाता है रामायण और एक हमारा महाभारत, जो कि आपने देखा भी होगा अभी प्रकाशित भी हो रहा है दोबारा से हमारा डीडी नेशनल पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इनके अलावा भी धार्मिक में हमारे क्या थे, एक था बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य और एक हमारा क्या है जैन साहित्य। तो आइए बच्चों इसको लिख लीजिएगा आप सभी एक बार द्वारा। तो अब हम आगे करते हैं, डिस्कस करते हैं आगे हम जो बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। जैसा कि पहले बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि ब्राह्मण में आपको तीन चीजें बता दी, अब उसी तरीके से ये सभी हमें अपना लिखना है, जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं ये ग्रंथ है बच्चों धार्मिक ग्रंथ। तो तीन चीजें ब्राह्मण में आपको बता दिया, बौद्ध साहित्य। देखिए बौद्ध साहित्य होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म आपने सुना होगा, जो गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ ने वो उसकी नींव रखी थी। तो जो इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों हम पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, हमारा पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व से, इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये जो टाइम पीरियड है ये इसका बौद्ध साहित्य का माना जाता है। बौद्ध साहित्य में ही जो तीन पिटक त्रि पिटक थे, जो यह किस भाषा में लिखी गई, पाली भाषा में, ये आपको बताना है पाली भाषा में लिखी गई, और इसके तीन पिटक थे वो कौन से थे, त्रिपिटक, बौद्ध के त्रिपिटक। नंबर वन सबसे पहले आपको जानना है, देखो सबसे पहले जो इसके तीन पिटक थे वो आपसे पूछा जाता है, विनय पिटक, दूसरा हमारा आता है बच्चों शुद्ध पिटक, तीसरा है हमारा बच्चों इसमें जो आता है हमारा एक आता है
अभिधम पिटक, धम पिटक, ये इस तरीके से हमने आपने देखा त्रिपिटक जो इसके थे बौद्ध साहित्य के, तो वो हमने आपको बता दी त्रिपिटक, सुत्पिटक और अधिगम पिटक। तो ये हमारा बौद्ध साहित्य समाप्त हो जाता है। अब आते हैं हम जैन साहित्य में। जैन साहित्य को जिस तरीके से जो बौद्ध जो साहित्य है, ये दोनों जो साहित्य है ये बहुत ही प्राचीन माने जाते हैं, और इनकी नींव इनमें क्या कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, किस तरीके से हम जो जितनी भी चीजें हैं इसमें महावीर जैन जो होते हैं सेम, इसके बाद बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य आता है, ये क्या करते हैं, मूर्ति पूजा वूजा पे विश्वास नहीं करते हैं। इन सभी का क्या मानना है कि इनकी एक अलग ही नींव होती है, एक अलग ही अपनी परंपराएं होती है। तो ये बोलते जीवन क्या है हमारा, बौद्ध साहित्य वाले लोगों का मानना यह है कि जीवन जन्म मरण का चक्र है, तो हमें इसे कैसे छुटकारा पाना है, तो हमें शांत रहना है, स्वभाव रहना है, हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो जैन धर्म क्या बताते हैं उसी चीज को, इनका दूसरा है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि हमें जीवों को, जीवों के अंदर भी प्राण होते हैं, उसको हमें नहीं मानना चाहिए। तो ये चीजें बौद्ध साहित्य में भी बताया गया है। तो ये तीनों आपको धार्मिक ग्रंथ आपको बता दिए गए हैं। अब आते हैं जो धर्मोत्तर, धर्मोत्तर साहित्य कौन कौन सा, ये आप तीनों तार लीजिएगा, ब्राह्मण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम किसमें, धर्मोत्तर बच्चों, अब देखिए धर्मोत्तर साहित्य जो हमारा माना जाता है, इसमें सबसे पहला धर्मोत्तर साहित्य में आपने देखा होगा ये जो टाइम पीरियड माना जाता है 500 से 200 ईस्वी, और इसमें आपने उसके बारे में सुना होगा मनुस्मृति के बारे में, स्मृति, इनका टाइम पीरियड है 200 से 900 ईस्वी का। तो इन्हीं जितने भी धर्म शास्त्र हैं, तो ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, धर्मोत्तर, ये क्या करते हैं, धर्म धर्म से हटकर जो बात करते हैं, इन्होंने इसी को क्या कहते हैं, धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। दूसरी चीज, इसी समय में कई प्रकार के ऐसे नाटक, अभिनय, काफी चीजें हो रही थी। आपने धर्मोत्तर साहित्य में आप ये देखोगे कालिदास, कालिदास रचित एक है अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये नाटक है, तो ये हमारा धर्मोत्तर में ही आता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया आपका, ये आपको करवा दिया मैंने आपको, ये हमारा पूरा दिस इज कंप्लीट हो गया, धार्मिक धर्मोत्तर आपको दोनों चीज बता दी और दिस इज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हम आते हैं विदेशी यात्रा के विद्वानों द्वारा लिखा गया साहित्य, वो क्या क्या था, तो सबसे पहले जो हम इसमें जानते हैं विदेशी यात्रा में आपने देखा होगा बहुत सारे, कई लोग ऐसे मैग्ना अस्थिज जितने भी जो लोग थे, एरियन, एस्ट्रैगो, लिपिंस, टेलोमो, मैग्नास्थिज, ये टोडरमल, ये जितने भी जो लोग थे ये क्या थे, विदेशी यात्रा थे, और ये यहां से बाहर से आए थे, और जिन्होंने क्या किया था, विदेशी साहित्य में अहम भूमिका निभाई थी, हमारे यहाँ पर राजाओं के यहाँ पर रहते थे। तो इस तरीके से ये आपका हो गया, ये जो हमारा पूरा साहित्य कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम, हमारा ये वाला कंप्लीट, अब हमें इसे करना है पुरातात्विक, तो बच्चों पुरातात्विक में, साहित्यिक में हमने ये देख लिया धर्म के बारे में, जो हमारा जो साहित्यिक बताया गया था इसमें हमने तीन चीजें बताई आपको, साहित्यिक में दो 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 था पार्ट आपका, आपका एक तो पहले देशज और एक क्या था विदेशज, और देशज में क्या था हमारा जितने भी धार्मिक थे, धार्मिक में आपको बताया गया था एक धार्मिक और धर्मोत्तर, धार्मिक आपको तीन चीज बताई थी आपको। तो अब आते हैं हम पुरातात्विक में, जो हमें प्राप्त होता है खोद कर, पुरातात्विक जिसका अवशेष हमें खोद कर जो मिलता है, जैसे कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसे साक्ष्य नगर मिले हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, नालंदा, बिहार, पाटलिपुत्र, इतनी जितनी भी जगह है, ये सभी चीजें हमें क्या मिले, पुरातात्विक ये चीजें हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो हम जानते हैं ये जितनी भी चीजें, ये हमें किस चीजों से प्राप्त हुई है, तो नालंदा, नालंदा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, और आपका नालंदा पाटलिपुत्र हो गया बच्चों, इसमें हो गया सारनाथ हो गया आपका,
तो आदि ऐसी कई जगह हैं जो कि हमें पुरातात्विक विद्याओं से हमें प्राप्त होती है, जो खुदाई द्वारा हमें प्राप्त होती है। आपने शायद हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा होगा 12th क्लास में, इसमें दयाराम सानी और अकलदास बनर्जी जिन्होंने क्या करते हैं हड़प्पा संस्कृति को खोजने में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो पुरातात्विक में बच्चों जो हमारा आता है सबसे पहला आता है शिलालेख। अब शिलालेख क्या होता है आपका एक प्रश्न होना चाहिए। शिलालेख जैसे कि वो सारी चीजें जो पत्थर होते हैं खंभे होते हैं जिससे कि निर्माण होता था पहले। तो आपको शायद पता होगा वर्तमान समय में जैसे जो हमारे जो मकान घर मकान जो बने हुए हैं ठीक उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी ऐसे ही इमारतें बड़ी बड़ी हुआ करती थी, उसके अंदर पिलर हुआ करते थे, पत्थरों को काट काट के लगाया जाता। तो वो शिलालेख क्या होते हैं, सबसे पहले पत्थरों के टुकड़, पत्थर टुकड़े वाले, इसमें और क्या होता है खंभे, और हमारा क्या होता है बच्चों इसमें इसमें कई चीजें ऐसी होती है जो कि तांबा चट्टान 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 तांबा आदि चीजें और हमारा इमारत, तो ये शिलालेख में हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपने देखा होगा कई मुगल साम्राज्य में, और आपने मुगल साम्राज्य से आइए हरेक वंश आ जाइए जितने कि आपने वंश में देखा है, तो आपने बहुत समय में भी देखा होगा कई जगह ऐसी है मौर्य काल में और हड़प्पा संस्कृति में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो नालियां होती थी घर घर बने हुए थे, स्नानागार होता था, और मोहनजोदड़ो में भी आपने देखा होगा टीले होते थे, दुर्ग होता था, इस तरीके से आपने ये देखा होगा खंभे होते थे, सारनाथ आपने देखा है, सांची सत्तू के बारे में आपने सुना होगा उसमें पिलर होता था हाथी का वो होता था शेर का सिंबल होता था उस तरीके से उसमें बनाया हुआ होता था। तो शिलालेख जिससे कि हमें पता चलता है अतीत के बारे में हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब आइए हमारा इसमें क्या है दूसरा है जो सिक्का। वर्तमान समय में सिक्के का जो प्रचलन है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, लेकिन हमारा जो इससे पहले जो समय रहा है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल रहा था। उस समय सामान के बदले सामान दिया जाता था, उस समय मुद्रा का कोई भी प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन मुगल साम्राज्य से ही माना जाता है। और इस समय देखो सिक्के किस किस तरह के चलते थे, सोने के, तांबे के, चांदी के, कांस्य के आदि के सिक्के चलते थे। तो सिक्के भी मिट्टी के भी हुआ करते थे। तो कई सिक्के जो खुदाई से भी हमें ये प्राप्त हुए हैं, कई चीजें ऐसी है जो कि प्राचीन समय में क्या होता था जो जिसका देहांत हो जाने के बाद क्या होता था उनके साथ कुछ अमूल्य वस्तु जो मूल्य वस्तु होती थी उसको दफना दिया जाता था उसी के साथ ही, क्योंकि वो उनकी प्रिय होती थी इसीलिए। तो उन्हीं के साक्ष्य के द्वारा हमें खुदाई के द्वारा ये प्राप्त हुआ है किस तरीके से गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के चले हैं और सिक्के का प्रचलन भी उसी समय से माना जाता है। एक है हमारा क्या तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये है नगर स्मारक। अब नगर, कई ऐसे नगर हैं जो कि हमें साक्ष्य द्वारा प्राप्त हुए हैं। अब यही जो हम बात करें बिहार में आपका राजगीर, उसके बाद एक और है हमारा नालंदा जो है बोधगया में प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से बच्चों पाटलिपुत्र और हमारा तक्षशिला तो ये हमने साहित्यिक और पुरातात्विक जो हमने पूरी चीज जान ली जो भारतीय स्रोत जिसके जरिए हमें यह पता चलता है अतीत के बारे में हमें पता चल जाता है। तो आइए हम एक बार ओवरव्यू आपको बता देते हैं किस तरीके से हमने आपको बताया। सबसे पहले लेखन प्रवृत्तियों में आपको विदेशी विद्वानों के क्या तर्क रहे, उन्होंने क्या क्या चीजें की। तो उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं किया लेकिन उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई हमें, लेकिन जागरूक कर दिया उन्होंने। जैसे ही हम जागरूक हुए तो भारतीय विद्वानों ने मार्क्सवादियों ने क्या किया लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में जब इतिहास लिखना शुरू किया खुदाई की तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे इन्होंने प्रवृत्ति दी तो उसके बाद क्या हुआ भारतीय जो स्रोत प्राप्त किए गए तो स्रोत में हमने दो भागों में बांट दिया गया साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक में आपको देशज और विदेशी यात्रा से जो आए थे वो चीज, तो साहित्यिक में एक तो धार्मिक के बारे में आपको बताया गया, धार्मिक के अंदर ब्राह्मण और आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में बताया गया। तो ब्राह्मण में आपको यह भी बताया था कि आपको चार वेद होते हैं
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद और हमारा उसके बाद दो उपनिवेश उपनिषद बताए थे, अरण्यक और उपनिषद। और तीसरा हमारा पॉइंट था उसी में ब्राह्मण में हमारा एक था दो महाकाव्य के बारे में बताया था, रामायण और महाभारत के बारे में। तो दूसरा क्या था हमारा धर्मोत्तर। तो धर्मोत्तर में आपको देखा गया, मैंने हमने बताया था धर्मोत्तर में किस तरीके से धर्म से उत्तर जो जो अभिज्ञान समुत्तरम नाटक इस धर्म से ऊपर जो लिखा जाने लग गया था, जो चीजें होने लग गई थी। तो हमने इस साहित्य के बारे में जाना, फिर पुरातात्विक के बारे में जाना जो कि हमें सिक्के का प्रचलन, शिलालेखों के बारे में, फिर नगर का अवशेष, इस तरीके से हमने इसके बारे में जान लिया। तो ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका आसानी से हो जाएगा और आपको नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपके ये वीडियो सबसे पहले जो भी वीडियो आएगी आपको न्यू वीडियो आपको आपके स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।